व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज हम जानेंगे किस तरीके से प्रोसीजर है, जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट जो पास करती है बजट को, और उसके बाद में कहां तक वो लास्ट तक पहुंचता है, किस किस स्टेजेस से होकर वो जाता है। ये छह स्टेजेस आप लोगों को नाम याद रखने हैं, इन छह स्टेजेस के। ये छह स्टेज ऐसी हैं जिनसे पास होता है पूरा बजट। इन पूरा बजट आप लोग इनको बोल सकते हैं, ये बजट की अग्नि परीक्षा इनको आप लोग बोल सकते हैं। अगर मोटे मोटे शब्दों में मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ, मतलब ये एक अग्नि परीक्षा की तरीके से है बजट की। जब इनसे होकर गुजरता है वो प्योर हो जाता है कम्प्लीटली, और बाद में जाकर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये छह स्टेप है जिनको यहाँ पर अग्नि परीक्षा आप लोग बजट की बोल सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, अलग अलग स्टेजेस से होकर बाद में फाइनल सिलेक्शन होता है। कुछ ऐसे ही आप लोग इनको भी समझ सकते हैं। पहली स्टेज क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, किस तरीके से बजट प्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके बाद में जनरल डिस्कशन होता है, उसके बारे में बताया गया है। स्क्रूटनी की जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा कि कौन कौन सी बात बोली गई है और क्या क्या यहाँ पर सही है और क्या क्या गलत है, ये सारे चेक किए जाते हैं जो डिपार्टमेंट की कमिटीज होती है उसके द्वारा, इसको देखेंगे। वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, अलग अलग मिनिस्ट्री जब यहाँ बजट प्रस्तुत किया गया है उस टाइम पर, जब तक उसको पार्लियामेंट में पास होने का टाइम लगेगा तब तक जो मिनिस्ट्री है वो कैसे काम करेंगी, उसके लिए उनको पैसा चाहिए, वो पैसा कहां से आएगा, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, इसको पास किया जाता है ताकि यहाँ पर कम से कम उनका काम चलता रहे मिनिस्ट्रीज वगैरह का, और एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये पूरा हमारा लेक्चर रहने वाला है, काफी शानदार हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर किस तरीके से बजट प्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने स्पीच भी सुनी होगी जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं सुनी है तो स्पीच जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें टोटल आप लोगों को आने वाले साल में किस तरीके से कहां कहां पर क्या क्या खर्चा किया जाना है, एक मोटा मोटा ब्यौरा वहां पर दिया जाता है आप लोगों को हमारे खुद के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो थोड़ा सा आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। जिस किसी ने ये स्पीच देखी है वो सही बात है, जिस किसी ने नहीं देखी है इसको जाकर एक बार सर्च कर जरूर देखिएगा, ठीक है, इस स्पीच को। और इस स्पीच को मैं शेयर भी कर चुका हूँ ऑलरेडी फेसबुक पर, आप वहां पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, फाइनेंस मिनिस्टर जो यहाँ पर है वो इसको बजट को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बजट को प्रस्तुत करते हैं, एक स्पीच दी जाती है जिसको बजट स्पीच भी बोला जाता है। ये बजट स्पीच के नाम से जानी जाती है, आप लोगों को लगभग देखने को मिलेगी ये 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच की होती है, ठीक है। तो लगभग आप लोगों को ये देखने को मिलेगी 90 मिनट के लगभग, या 70 से 90 डिपेंड करता है, इतना लगभग यहाँ पर ये स्पीच आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी इस स्पीच में, पहले ये स्पीच आप लोगों को जाएगी यहाँ पर लोकसभा में, लोकसभा में आप लोगों को ये स्पीच देखने को मिलेगी, उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ से काम निपटने के बाद में, फिर ये बजट जाता है राज्यसभा में। आप लोगों को पता होना चाहिए जब बजट से रिलेटेड कोई भी बात आती है उस टाइम पर लोकसभा के पास में ज्यादा पावर नहीं होती है, वो सॉरी राज्यसभा के पास में ज्यादा पावर नहीं होती है, मैक्सिमम पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर लोकसभा के पास में होती है। लोकसभा को पावर दे रखी है, आखिर ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो डायरेक्टली हम लोग लोकसभा में भेजते हैं, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं वहां पर, इनडायरेक्ट वे पे वहां पर जो पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं, जो एमपी बोलते हैं जिनको हम, वहां पर इनडायरेक्ट वे में जाते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सारी पावर यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी बजट से रिलेटेड, मैक्सिमम जो पावर वो रहेगी वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी लोकसभा में है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर पावर, ये भी अगर बोला जाए यहाँ पर किसकी पावर ज्यादा है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछे जनरल फॉर्म में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए लोकसभा की ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू राज्यसभा जब बात आती है यहाँ पर मनी से रिलेटेड मैटर की। और राज्यसभा के पास में कोई पावर भी नहीं है अगर वो यहाँ पर बोले कि वोट और डिमांड के लिए कि क्या उसको ग्रांट यहाँ पर मिलना चाहिए, तो डिमांड वो यहाँ पर ग्रांट की डिमांड भी नहीं कर सकती है। ये सारी बात भी ओनली आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ पर, राज्यसभा में, वो लोकसभा में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर जब बजट से प्रेजेंटेशन की बात की जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेप आप लोगों के सामने है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब सेकंड स्टेप की तरफ को चलते हैं, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर जनरल डिस्कशन। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जनरल डिस्कशन का मतलब जनरल डिस्कशन ही होगा, ऐसा नहीं होता है कि हम मान लीजिए कोई हम लोगों को प्लान बनाना है फ्यूचर में, तो हम लोग बैठते हैं बोलते हैं यार आओ बैठ कर मिलकर कुछ बात कर लेते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग क्या क्या प्रोसीजर कर सकते हैं। मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि बैठ के आइए कोई जनरल डिस्कशन कर लेते हैं किसी पॉइंट पर, आप लोगों से जैसे मैं कई बार पूछता हूँ, जैसे टॉपिक भी आप लोगों को कई बार देता हूँ, जैसे एसए के टॉपिक कई बार हो जाते हैं आप लोग देखते रहते हैं कई बार, जिस तरीके से आप लोग पीछे हम लोग देख चुके हैं कि साइवेंट टेन सिलेक्शन की बात की जाती है, तो एक डिबेट चलता है सोसाइटी, एक जनरल डिस्कशन चलता है उसके ऊपर। ट्रिपल तलाक की बात होती है, एक जनरल डिस्कशन चलता है उसके ऊपर कि किस तरीके से सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है।
तो इस तरीके से सेक्युलर के कॉन्सेप्ट की बात चलती है, हमारी कंट्री को सेक्युलर कंट्री रखना एक जनरल डिस्कशन होता है, सोसाइटी में बैठकर उस पर डिबेट किया जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पर जनरल डिस्कशन होगा, कोई भी यहाँ पर एक ऐसा नहीं होने का जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो जनरल डिस्कशन कब होता है, जब बजट को प्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट स्टेज होती है प्रेजेंटेशन की, सेकंड स्टेज होती है जनरल डिस्कशन की। आप लोगों को यहाँ पर जनरल डिस्कशन देखने को मिलता है और ये जनरल डिस्कशन दोनों हाउस में पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसमें आप लोगों को राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी दोनों जगह यहाँ पर जनरल डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पर जनरल डिस्कशन रहेगा, इसमें कोई भी कट मोशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी कि पैसा है इसमें से आप लोग पैसा काट दीजिए, इसमें ज्यादा पैसा दे दिया, इसमें ज्यादा इधर कम पैसा दे दिया, तो कट मोशन कोई देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। और ना ही आप लोगों यहाँ पर कोई वोट की जाएगी किसी भी चीज के ऊपर, मतलब यहाँ पर ऐसा भी नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया उसके ऊपर वोटिंग कराई जाए, यहाँ पर ओनली जनरल डिस्कशन होगा, एक ओवरव्यू लिया जाएगा कि भैया ये है क्या और आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। तो ये एक तरीके से इसको मतलब आप लोग बोल सकते हैं इसका एक एक मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके माइंड में कुछ क्लैरिटी आ जाए लेकर चीजों को कि हाँ अच्छा ये हमारा बजट है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, सबको पता होना चाहिए एक्चुअल में बजट क्या है, क्योंकि आने वाले एक साल का खाका होता है कंप्लीटली इसमें, तो इसलिए उनको पूरा पूरा आइडिया होना चाहिए कि आने वाले एक साल में हमारी कंट्री में होने वाला क्या है। ये जनरल डिस्कशन के टाइम पर जब डिस्कशन खत्म हो जाता है उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर को राइट्स भी होता है रिप्लाई करने का, अगर उस डिस्कशन के ड्यूरेशन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ वहां पर जनरल डिस्कशन के बाद में फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी यहां पर रहता है क्योंकि आखिरकार जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो उनकी अध्यक्षता में किया जाता है। और मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं जो हलवा सेरेमनी होती है उसके बारे में आप लोगों को बताया। अच्छा चलिए मैं देखता हूं कितना आप लोग पढ़ रहे हैं, ये बताइए, लास्ट लेक्चर में ही मैंने डिस्कस किया था और बजट वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, ये बताइए जो पहले बजट था, पहले बजट किस टाइम पर प्रेजेंट किया जाता है, जैसे आप मॉर्निंग में प्रेजेंट किया जाता है पहले किस टाइम पर प्रेजेंट किया जाता था, और जब बजट यहां पर अलग किया गया था, अलग बजट किया गया था जनरल बजट और रेलवे बजट, वो किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे अलग किया गया था, दोनों अलग किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे किए गए थे, इंपॉर्टेंट है जाकर देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, कल ही डिस्कस किया है ये सारा मैंने, ठीक है। और पहले बजट किस टाइम प्रस्तुत किया जाता था, मतलब डेट बतानी है आप लोगों को, फरवरी में पहले किस डेट पर प्रस्तुत किया जाता था और अब डेट क्या हो गई है ये भी बताइएगा, ठीक है। तो ये जनरल बातें छोटी छोटी सी आप लोगों से पूछी जा सकती है, नॉर्मल भी कोई भी बच्चा भी पूछ सकता है छोटा, अगर कहीं पे स्कूल वगैरह में जा रहा है तो ये छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को कम से कम याद होनी चाहिए। पहला पॉइंट हो गया प्रेजेंटेशन, दूसरा हो गया जनरल डिस्कशन और तीसरा है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी जिस तरीके से आप लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद में आप लोगों की कॉपी चेक होती है तो उसको स्क्रूटनी बोलते हैं, चेक करना कॉपी को, ठीक है। तो इसी तरीके से स्क्रूटनी यहां पर बजट की जाती है, बजट यहां पर प्रेजेंट तो कर दिया गया है, अब यहां पर जो डिपार्टमेंटल कमिटीज होती है वो इसकी स्क्रूटनी करती है, वो इसको चेक करती है कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं, और काफी कुछ यहां पर देखने को मिलता है। तो जनरल डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तीन से चार दिन का जनरल डिस्कशन होता है, पर लेकिन जब स्क्रूटनी की बात आती है, स्क्रूटनी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर तीन से चार वीक की देखने को मिलेगी, लगभग आप लोग इसको वन मंथ बोल सकते हैं। जो बजट प्रस्तुत किया गया वन मंथ तक उसको चेक किया जाएगा, स्क्रूटनी की जाएगी उस बजट की, जो डिपार्टमेंट की कमिटीज होती है अलग अलग। तो जनरल डिस्कशन के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जो यहाँ पर हाउसेज होते हैं वो एडजर्न कर दिए जाते हैं तीन से चार वीक के लिए, और उस एडजर्न की मोशन के बाद में जब यहाँ पर बाद में मिलेंगे, मतलब लगभग एक महीने के जब बाद में मिलेंगे तब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो गैप होता है 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज आप लोगों के सामने यहाँ पर आएंगी। तो ये जो 24 डिपार्टमेंटल कमिटी होती है टोटल डिटेल में यहाँ पर इसको एग्जामिन करती है, इसको यहाँ पर देखती है क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या क्या सही है, तो सब कुछ यहाँ पर टोटल डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर सारी चीजें प्रॉपर वे में तैयार की जाती है, फिर ये रिपोर्ट सबमिट करती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में दोनों हाउस के पास में रिपोर्ट जाएगी, ये भी बात आप लोग याद रखनी है, मतलब लोकसभा में भी रिपोर्ट जाएगी और राज्यसभा में भी रिपोर्ट जाएगी, दोनों जगह पर रिपोर्ट भेजी जाएगी इन स्टैंडिंग कमिटीज के द्वारा। स्टैंडिंग कमिटी का जो सिस्टम है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, 1993 में ये एस्टैब्लिश किया गया था हमारी कंट्री में और फिर इसको एक्सपेंड कर दिया गया था 2004 में, 2004 में और भी ज्यादा इसको एक्सपेंड कर दिया गया था, क्योंकि देखिए कई तरीके के मैटर ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट पार्लियामेंट से हम लोग पास नहीं करा सकते, कई बार बिल होते हैं कई सारी उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो अलग अलग लेवल पे स्क्रूटनी उसकी होती है, क्योंकि जब जनता में इंप्लीमेंट होना है उस टाइम पर इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई लेवल पर यहाँ पर चेक किया जाता है तब जाकर यहाँ पर इनको लास्ट में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि कई तरीके से यहाँ पर जब स्क्रूटनी से अगर कोई चीज निकलती है तो उसमें बहुत कम त्रुटि होने के चांसेस यहाँ पर आप लोगों को दिखेंगे। तो ये तीसरी स्टेज हो गई जहां पर स्क्रूटनी की जाती है डिपार्टमेंटल जो कमिटीज होती है उनके द्वारा, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेगा। तो तीन पॉइंट हो गए हमारा, पहला हो गया आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रेजेंटेशन, दूसरा जनरल डिस्कशन और तीसरा हो गया स्क्रूटनी, तीनों पॉइंट आप लोगों की बिल्कुल फिंगरप्रिंट पर याद होने चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, फोर्थ स्टेप है यहां पर वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। तो इसके लिए यहां पर वोटिंग की जाती है, मतलब कितनी यहां पर ग्रांट दिया जाना है
अलग अलग डिपार्टमेंट को आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले आप लोगों ने देखा यहाँ पर डिपार्टमेंटल कमिटीज के द्वारा, स्टैंडिंग जो कमिटी होती है उनके द्वारा रिपोर्ट सबमिट की जाती है। तो जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो यहाँ पर दोनों जगह रिपोर्ट सबमिट की जाती है, पर डिमांड ऑफ ग्रांट की जब बात आती है आप लोगों को ये क्लियर रखना है माइंड में, ये आप लोगों को यहाँ पर जो पावर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी लोकसभा में ना कि राज्यसभा में, ठीक है। तो इस तरीके की बातें कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट के लिए यहाँ पर वोटिंग होती है कि किस किस मिनिस्ट्रीज के लिए यहाँ पर कितना कितना पैसा दिया जाएगा ड्यूरिंग दिस सेशन, जब तक कि यहाँ पर प्रॉपर वे में बजट पिक्चर में नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पर आप लोगों को वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट नजर आएगी। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक मिनिस्ट्रीज के लिए यहाँ पर जिसके लिए जो वोट की गई है, जिसके लिए यहाँ पर डिमांड की गई है, उसके लिए सेपरेट वोट की जाएगी। मतलब जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, हर एक जगह आप लोगों सेपरेट वोट डिस्कस नजर आएगा यहाँ पर, और उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस ड्यूरेशन में एक डिस्कशन भी स्टार्ट किया जा सकता है उसके ऊपर कि क्या क्या यहाँ पर बातें हैं, क्या क्या कितनी जरूरत है। और इसको यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब यहाँ पर मोशन आ जाती है, उस टाइम पर आप लोगों को कट मोशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मतलब क्या होता है, मतलब कट मोशन का ये होता है, मान लीजिए पैसा ज्यादा दे रखा था उसको कम भी किया जा सकता है यहाँ पर, जो कि बजट में अनाउंस के दौरान में ज्यादा पैसा बोला गया था। इसमें भी आप लोगों को तीन पॉइंट नजर आएंगे। पहला बोला जाता है यहाँ पर पॉलिसी कट मोशन का मतलब है कि कोई ऐसी पॉलिसी अप्रूव नहीं की जानी है यहाँ पर जो कि काफी गलत इंपैक्ट डाल सकती है, इसको डिसअप्रूव किया जाता है। डिसअप्रूव का मतलब है इसका जो ग्रांट यहाँ पर देने की बात की जाती थी उसको घटाकर 1 रुपी कर दिया जाता है। मतलब हम इसको पैसा नहीं देने वाले हैं, इसके लिए आप लोगों को अल्टरनेटिव पॉलिसी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आप लोग पैसा मांग रहे थे इसके लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात बोली जाती है इकोनॉमिक कट मोशन में क्या काम होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारी इकोनॉमी पे जो भी ये प्रेजेंट करने जा रहे हैं बहुत बड़ा इंपैक्ट उसका पड़ने वाला है, तो आप लोग इसके लिए पैसा थोड़ा कम कर दीजिए, मतलब इसके लिए डिक्रीज कर दीजिए थोड़ा अमाउंट, ये आप लोगों को देखने को पड़ेगा इकोनॉमिक कट के अंदर नजर आएगा। और तीसरा यहाँ पर आता है टोकन कट, और ये तीसरा होता है जो कट मोशन की बात की जा रही है स्पेसिफिक पोर्शन के लिए होता है। मान लीजिए किसी स्पेसिफिक चीजों पर यहाँ पर मतलब पसंद नहीं आ रही है कि ये स्पेसिफिक पोर्शन जो हो गए यहाँ पर कोई ग्रीवेंसीज आ रही है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके लिए बोला जाता है यहाँ पर इसको रिड्यूस कर दिया जाता है 100 तक, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक डिमांड के लिए यहाँ पर एक बार ही आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, यहाँ पर स्पेसिफिक वे में चीज होती है, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में यहाँ पर चीजें चलती हैं, मतलब पर्टिकुलर एक एरिया के लिए एक मैटर के लिए कोई स्पेसिफिक मैटर यहाँ पर रहेगा उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन सब के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये तीनों होने के बाद में बुलेटिन बोला जाता है, इसको भी थोड़ा याद रख सकते हैं आप लोग। टोटल मिला के 26 दिन वोट ऑन डिमांड के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लास्ट डे में जितना डिस्कस किया गया उतना डिस्कस किया गया, सही है। अब जो जो भी मैटर यहाँ पर बच गए उनको यहाँ पर एक साथ डिस्कस किया जाएगा, तो उसको यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक साथ यहाँ पर इसके ऊपर डिसीजन निकल कर आएगा। बुलेटिन अगर आप लोग ने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में पता होगा, इस तरीके की सजा दे दी जाती थी अगर कोई यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करता था। मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ गर्दन रखी जाती थी और ऊपर से ये बहुत पैनी चीज होती थी, गंडास टाइप का आप इसको बोल सकते हैं, एक मतलब बहुत पैना हथियार होता था और गर्दन उससे काटी जाती थी डायरेक्ट, गर्दन इधर और धड़ इधर और शरीर इधर, मतलब गर्दन इधर और बॉडी इधर, तो ऐसे यहां से गर्दन काटना इसको ग्लिटिन बोला जाता था। तो ये ग्लिटिन मतलब होता है एक तरीके से बची कुछ जो भी चीजें बची हुई हैं उनको साइड में निपटा देना एक साथ में ही, तो ये यहां पर आप लोगों को सिस्टम नजर आएगा इसके तहत। तो ये आप लोगों को फोर्थ मोशन यहां पर नजर आएगी जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। फिफ्थ है यहाँ पर अप्रोप्रिएशन बिल, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, इसको रनिंग बिल भी बोला जाता है और सप्लाई बिल भी बोला जाता है, इसको जब पढ़ेंगे आप लोगों को पता चलेगा ये दोनों ही तरीके से बोला जाता है। बिल आप लोगों को नॉर्मली मनी मैटर से रिलेटेड मिलेगा ये, ओके। अप्रोप्रिएशन बिल की जब यहाँ पर बात की जाती है और जो भी ग्रांट की यहाँ पर बात की गई थी उन ग्रांट को किस तरीके से यहाँ पर पास कराना है वो सारी चीजें आप लोगों यहाँ पर अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर नजर आएगी, ठीक है। तो जो अभी मैंने आप लोगों से बात की डिमांड फॉर ग्रांट्स वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी गवर्नमेंट में जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको किस तरीके से उनकी पूर्ति की जानी है उसके लिए पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग एक तरीके का मनी बिल भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल। ये बिल जो होते हैं मनी बिल, फाइनेंस बिल, इनके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, डिटेल में लेक्चर ले चुका हूं, जाकर आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी, और यहां पर फेसबुक पर भी मिल जाएंगे और टेलीग्राम में भी मिल जाएंगे। ये भी टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो भी यहां पर डाल दी जाती है। तो जब कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जाता है तो वो नॉर्मल तरीके से नहीं निकाला जाता है वहां से, उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को एक बिल पास कराना होता है कि हमको इतना पैसा चाहिए यहाँ से, तो उसी के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा अप्रोप्रिएशन बिल। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी आप लोगों को, अगर कोई पूछे तो आप लोगों के पास में थोड़ा सा कुछ ना कुछ फोर्डर माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये होता क्या है एक्चुअल में। तो ये हो गई यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। लास्ट स्टेप यहाँ पर हो गया फाइनेंस, ये पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल।
फाइनेंस बिल आप लोगों को देखने को मिलेगा, टैक्स से रिलेटेड कोई भी मैटर यहां पर है, कितना पैसा कहां पर दिया जाना है, क्या क्या करना है, ये आप लोग बोल सकते हैं। कंप्लीट बजट यहां पर पास करने का लास्ट प्रोसीजर, ठीक है, कि यहां पर अब ये बातें हैं। इसको पास होने के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा, फाइनेंस बिल जब पास किया जाता है, पास करने के बाद में प्रेसिडेंट के साइन किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद में ये प्रॉपर आप लोगों का बजट का प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये आप लोगों को यहां पर इसके बारे में पता होना चाहिए। जब पार्लियामेंट पास कर देती है तो फिर इसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है, और ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को पड़ेगा, 75 डेज के अंदर अंदर यहां पर इसको कंप्लीट किया जाता है। तो ये भी थोड़ी बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो भी मैंने सारे स्टेप बताए हैं उसका लास्ट स्टेप यहां पर हो गया फाइनेंस बिल, ठीक है ना। तो फाइनेंस बिल आप लोग देख सकते हैं, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी मैटर है यहां पर, सारे प्रपोजल गवर्नमेंट के जो होते हैं यहां पर सामने रखे जाते हैं, जो आने वाला ईयर है, मतलब कमिंग जो ईयर है उसका टोटल जो आप लोगों को यहां पर खर्चा देखने को मिलेगा वो इसके तहत यहां पर आप लोगों के सामने आएगा। तो इस तरीके से यहां पर हमारा जो बजट का प्रोसीजर है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है इन 6 स्टेप्स के द्वारा। देखिए आरबीआई का अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, ग्रेड बी ऑफिसर, या फिर आप लोग किसी भी फाइनेंस सर्विसेज से रिलेटेड आप लोगों के सामने कोई भी जॉब है, तो अगर उसमें आप लोग जाएंगे तो आप लोगों से डायरेक्ट ये बजट का प्रोसीजर पूछा जा सकता है कि बजट कितने स्टेट में पार्लियामेंट में रखा जाता है, आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। तो 6 के 6 जो स्टेप हैं आप लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से याद रखना है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को 7 स्टेप पढ़ाए थे कि किस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री में किसी भी जज का इंपीचमेंट करते हैं। तो 7 स्टेप आप लोगों को फिंगरप्रिंट पे याद होने चाहिए, उसी तरीके से फिंगर पॉइंट पर आप लोगों को ये सारे भी यहां पर याद होने चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट करना पहले बजट को, फिर जनरल डिस्कशन, फिर स्क्रूटनी करना डिपार्टमेंटल कमिटीज के द्वारा, वोट ऑन ग्रांट आप लोगों को देखने को मिलेगी, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल देखने को मिलेगा, और पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए, इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 के 6 स्टेप बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। और देखिए हमारा बजट है, ये हमारी कंट्री का बजट है, आने वाले टाइम का बजट है, हमारी कंट्री में क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, कम से कम बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सारी बातें हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, और इसमें कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फेसबुक पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, यहां पर आप लोगों को और भी कई सारी चीजें मिल जाती है, टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।